डिजिटल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बने शरीरा। जी हाँ, हमारा ये शरीर, हमारी ये काया पांच तत्वों से मिलकर बना है। इसे कैसे निरोग रखा जाए, इस पर हम विचार करेंगे। नमस्कार, मैं अनुराधा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है आदाब हैदराबाद। आज हमारे साथ आयुष विभाग, आयुष संस्थान से सह निदेशक डॉक्टर पीवीवी प्रसाद जी उपस्थित हैं, जो कि बताएंगे किस तरह से हम अपने इस शरीर को निरोग रख सकते हैं आयुर्वेद के जरिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम में। आपने अपने बहुत ही व्यस्त समय में से, जो कि ऐसे काल में जिसको हम कहेंगे COVID-19 और कोरोना काल जो चल रहा है, उसमें आपने समय निकाला और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आए जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जो संस्थान आयुष विभाग जो है, वो किन किन चीजों पर काम करता है और किस तरह से ये काम कर रहा है? हमारा संस्थान जो राष्ट्रीय भारतीय आयुर्वेद संपदा संस्थान है, जो केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है, और जो मंत्रालय आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ है जी, जो हम लोग यहाँ से इस संस्थान 1956 से जी यहाँ पे उपस्थित है जी। और ये इसमें मेन उद्देश्य है आयुर्वेद संबंधित, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के संबंधित में इतिहास एवं संपदा को बरकरार रखने के लिए इस संस्थान का मेन उद्देश्य है जी। इसी तरह इसी सिलसिले में हम लोग काम करते हैं। इसमें कई तरह की अनुभाग हैं, एक तकनीकी अनुभाग, एक संग्रहालय है जी, जो संपदा का हम लोग प्रदर्शन करते हैं, और एक लाइब्रेरी जी, पुस्तकालय भी है। इसमें खास करके संपदा का और इतिहास के संबंधित सारे चिकित्सा पद्धतियों का इतिहास, और एक एक विषय के ऊपर भी जी, जिसमें किताबें उपलब्ध है, इस तरह हम लोग काम करते हैं। अच्छा, तो सर मैं आप जानना चाहूंगी आपसे कि आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की और किसने आपको इस ओर आयुर्वेद की ओर अग्रसर किया? क्या कोई कारण था या कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित हो जिससे आपने सोचा कि नहीं, मुझे आयुर्वेद की ओर ही बढ़ना है? जहां आजकल सभी लोग डॉक्टर और इंजीनियर, मुझे याद है उस जमाने में सभी पेरेंट्स और सभी अभिभावक यही चाहते थे कि हमारे बच्चे या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, उस समय में आपने आयुर्वेद को चुना, क्या कारण था? मेन तो दिस प्रोफेशन जो डॉक्टर प्रोफेशन है, वैद्य वृत्ति जो बोलते हैं उसको पहले से, क्योंकि बचपन में हम लोग, हमारे पिताजी जो है वो प्राथमिक वैद्यशाला इसमें काम करते थे। अच्छा। हम लोग रोज वैद्य जी को देखते थे और वहाँ पे जो हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर है वो सब देखते थे। देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। उससे क्या हुआ कि मुझे मन में लगा कि जो प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, मुझे डॉक्टर ही बनना है करके पहले तो वो इम्प्रेशन था जी। ऐसे ही उसी लाइन में मैंने साइंस का भी सब्जेक्ट लिया था। पूरा मेरा पढ़ाई जो है पूरा कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश में हुआ है जी। और उसके बाद आयुर्वेद कोर्स जो है विजयवाड़ा में डॉक्टर नौरी रामशास्त्री प्रभुत्व आयुर्वेद कॉलेज है जी, उसमें से हुआ है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। और उसके बाद जो स्नातकोत्तर जो है वो विश्वविख्यात विद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ है मेरा। अच्छा। MD और उसके बाद PhD भी वहीं से किया हूँ मैं जी। लेकिन पहले सभी लोग जैसे हम लोग ट्राई करते हैं कि आयुर्वेद में MBBS ही करना है, मेडिसिन माने MBBS जी जी। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा हल्का मार्क्स डिफरेंस की वजह से वो हो जाता है, नहीं हो पाता है। फिर भी मैंने कभी निराश नहीं हुआ। लेकिन तब मुझे आयुर्वेद का एक होम्योपैथी वाइज ने बताया मुझे कि उन्होंने सजेस्ट किया कि आयुर्वेद अच्छा है, उसमें प्रॉस्परस भी है, उसमें प्रॉस्पेरिटी है जी, वो करिए। तब मैंने सकते हैं और पर उसी समय पहली बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया गया। अच्छा। इस BAMS कोर्स के लिए जी, हम लोग फर्स्ट बैच के थे उसमें, 1981 दिसंबर में ये हुआ था दाखिल हुए। अच्छा, तो इस तरह से आपने अलग अलग जगह से और दक्षिण से आप उत्तर तक जाकर आपने आयुर्वेदिक की शिक्षा प्राप्त की। तो मैं ये जानना चाहूंगी सर, आपके संस्थान में आयुर्वेद के साथ साथ और किन किन चीजों पर, विषयों पर कार्य किया जाता है? जैसे मैंने बताया था, हमारे संस्थान जो है सारे वैद्य मेडिकल हिस्ट्री जी, जो उसको बरकरार रखने के लिए सारे चिकित्सा पद्धतियों का अधिकारी अपने पास उपलब्ध है। जैसे मैं
खास करके भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसमें यूनानी है, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा जी सभी अधिकारी हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा। हम लोग तकनीकी सेक्शन में ये सब लोग काम करते हैं, अलग अलग परियोजना में काम करते हैं अपने अपने सब्जेक्ट पे। जी सर, आपने बताया कि आपके पास संग्रहालय है, आपके पास म्यूजियम है, तो उसमें क्या चीजें आप लोग प्रदर्शित करते हैं? जो हर चिकित्सा पद्धति का, जैसे मॉडर्न मेडिसिन भी है, भारतीय चिकित्सा पद्धति भी है, सभी का इतिहास को बरकरार रखने के लिए हम लोग कई तरह की पेंटिंग्स और मॉडल्स और कई तरह की फोटोज वगैरह हम लोग दो हॉल में डिस्प्ले करते हैं। और एक मेन चीज इसके लिए बच्चों के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस और आयुष स्टूडेंट जो भी होते हैं उनको इनवाइट करते हैं, वहाँ पे उनको इसके इतिहास के बारे में, अपना सिस्टम के इतिहास के बारे में हम लोग समझाते हैं। तो इस उसमें, तरह उसमें सर यूनानी, आयुर्वेदिक और जो अन्य विधा हैं आपके पास, उन सभी के जो औजार हैं या उनके जो ग्रंथ हैं वो सभी कुछ उसमें प्रदर्शित हैं? या प्रदर्शित है और अपने पास ग्रंथालय है उसमें भी उपलब्ध है रेफरेंस के लिए जी सभी। तो सर ये सभी के लिए ओपन है, मतलब कोई भी उसको जाकर प्रदर्शनी को देख सकता है, जैसे हम अन्य संग्रहालय या प्रदर्शनी को जाकर देखते हैं, तो क्या उस तरह से यहाँ भी अगर मान लीजिए मेरी इच्छा हुई या कोई भी हमारे जो दर्शक हैं वो जाना चाहें उसके बारे में, तो क्या वो जा सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो सभी के लिए है, सभी के लिए है, बच्चों से लेके कोई भी आ सकते हैं कभी भी वर्किंग आवर्स में। जो हम लोग 5 दिन काम करते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक 9:30 to 6 o'clock तक, कभी भी कोई भी आ सकता है, कोई भी देखने के लिए। हम लोग एक कंपनी करते हैं, हमारे पास म्यूजियम का पर्टिकुलर पर्सन, म्यूजियम क्यूरेटर भी है जी, और बाकी ऑफिसर्स भी। अगर मान लीजिए आप होम्योपैथी का पर्सन आया, होम्योपैथी ऑफिसर भी एकम्पनी करेंगे, उनको समझाएंगे। ऐसे आयुर्वेदिक का भी है, यूनानी का भी ऑफिसर है, सिद्धा का भी ऑफिसर है जी। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि अगर कोई भी इन सभी गतिविधियों को देखना चाहता है या जानना चाहता है इनकी जड़ कहाँ से शुरू हुई और किस तरह से, तो वो आपके विभाग, आयुष विभाग में आ सकता है और देख सकता है। सर यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपके विभाग में जो टेक्निकल एक्टिविटीज हो रही हैं वो किस तरह से सहायक है हमारे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए, क्योंकि आज हम भारत की बात करते हैं और भारत को सिर्फ भारत तक ही नहीं, हम विश्व के पटल पर देख रहे हैं, तो उसमें मेक इन इंडिया जो हमारा कार्यक्रम है उसमें आपका कितना सहायक? अपना संस्थान खास करके ऐसे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, लेकिन आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय आयुष सिस्टम्स के लिए इस मेक इन इंडिया बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। इसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 100% FDI इज अलाउड इन दिस। अच्छा। 100% FDI आयुष सेक्टर में, ये आयुष सेक्टर में इसको वेलनेस सेक्शन में दिया गया, उसमें इंक्लूड किया गया है आयुष सिस्टम, आयुष विभाग को रहे। जी। और इसमें कई तरह के हम लोग कैसे मैन्युफैक्चरिंग है, मेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक्स खास करके, और मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन, इस सेक्टर्स में इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, इसमें अपना मेक इन इंडिया का रोल बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने बहुत कई तरह के बजट भी अलॉट हुआ है जी, इस तरह प्रोत्साहन मिल रहा है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया में आप इस तरह से सहायता कर रहे हैं और आयुष की तरफ से। जी जी सर, जब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जो आपके यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट हैं, तो उनमें से आज जब हम देख रहे हैं कि देश हमारा और विश्व एक तरह से जूझ रहा है एक महामारी से, COVID-19 या जिसे कोरोना का नाम दिया गया है, तो उसमें हमें क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि हम अपनी जो इम्यूनिटी है उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर सकें, और इस काल में खुद को सर्वाइव करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? इसमें कोविड महामारी आने के बाद जी जो आयुष मंत्रालय मंत्रालय और अपना सचिव महादेव जो खुद आयुर्वेद वैद्य हैं जी, जो वैद्य राजेश कोटाजा जी उसके नेतृत्व में कई तरह की टास्क फोर्स भी किया गया है, टास्क फोर्स कमिटी बनाया गया है कि सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, डिफरेंट सेवरल सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स को मिला के उन्होंने एक कमिटी टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स ने गाइडलाइंस
टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इश्यूज कर रहे हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बूस्टिंग मैकेनिज्म क्या है, आयुर्वेद का, यूनानी का, होम्यो का क्या क्या करना चाहिए, इस तरह का सारे चीज़ों का टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इश्यू कर रहे हैं। और आयुष क्वात वो चार इंग्रेडिएंट्स है उसमें, अच्छा, तुलसी, शुंठी और दालचीन, काली मिर्च ये चारों का मिला के काढ़ा बना के उसको चाय की तरह, तुलसी, शुंठी, दालचीनी और काली मिर्च, तो ये चार चीजों का मिलाकर आप क्वात बनाते हैं। इसमें सभी मार्केट में भी इसको बनाने के मार्केट में भी अवेलेबल है जी। इसको बढ़ाने से क्या है, इम्यूनिटी बढ़ता है। अच्छा, इस तरह के काम। तो इसको आप मतलब पानी के साथ उबाल के 150 मिलीग्राम पानी में उबाल के चाय जैसे ले सकते हैं, 500 मिलीग्राम का पाउडर ले, इसका सेवन आप रोज कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं। और इसको करने से आप किसी भी बीमारी से अपनी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मैं डॉक्टर विश्वरंजन दास, यहाँ पे अनुसंधान अधिकारी होम्योपैथी के रूप से पद से कार्यरत हूँ। हमारे जो पुस्तकालय है इसमें हर सिस्टम का किताबें अवेलेबल है, जैसे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, हर सिस्टम से जुड़े किताबें उपलब्ध है। और हमारे संस्थान को बाहर से जितने भी पीजी स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, आयुष स्टूडेंट्स, जितने भी कॉलेजेस हैं, नियर बाय कॉलेजेस हैं, सब यहाँ पे आके उपलब्ध कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे 12,175 किताबें उपलब्ध है। और मैं डॉक्टर अशफाक अहमद, अनुसंधान अधिकारी यूनानी, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान संपदा संस्थान में कार्यरत हूँ। हमारे इस संग्रहालय में आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथ से जुड़ी हुई बहुत सारे आर्टिकल्स रखे हुए हैं। यूनानी के इतिहास की इब्तिदा तो यूनान यानी ग्रीस से होती है, लेकिन उसकी जड़ें मेसोपोटामिया और बेबलून से मिलती हैं। हमारे संग्रहालय में बेबलून यानी मेसोपोटामिया से शुरू होकर और आज तक होने वाले इतिहास का पूरा एक झरोखा इस संग्रहालय में पेश किया जाता है। हमारे इस संस्थान में बहुत सारी पंडुलिपियाँ हैं जो यूनानी में, तकरीबन 500 पंडुलिपियाँ जो अरबी, फारसी और उर्दू में डिजिटाइज्ड फार्म में हैं, और 106 पंडुलिपियाँ पेपर फार्म में हैं। इसी तरह से आयुर्वेद की भी बहुत सी पंडुलिपियाँ यहाँ पे संरक्षित हैं। हमारे इस संग्रहालय की विशेषता ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में सिर्फ एक जगह पाई जाती हैं, और ख़ास तौर से यूनानी के बारे में बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी मालूमात और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस संग्रहालय में मिल जाएंगे। दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम लौटेंगे आदाब हैदराबाद पर। जैसा कि ये भी माना जाता है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, तो आयुर्वेद क्या कहता है, हमारे शरीर को, हमारे शरीर की जो संरचना है उसको हम किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसमें आयुर्वेद का मेन उद्देश्य है जो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, आतुरस्य विकार प्रवर्षण। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण माने क्या है, स्वस्थ को जो हेल्दी पर्सन है उसका हेल्थ मेंटेन करने के लिए फर्स्ट उद्देश्य। दूसरा है जो रोगी है, रोगी को ट्रीटमेंट करना, ये मेन उद्देश्य आयुर्वेद का है। दो ऑब्जेक्टिव्स है उसका, जो स्वस्थता रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए एक दिनचर्या, ऋतुचर्या, जो दिनचर्या में डेली रेजिम, ऋतुचर्या सीजनल रेजिम। सो दिनचर्या में क्या है, सुबह से लेके उठने से, नींद से उठने के बाद से रात को सोने तक कैसे आदमी को क्या क्या काम करना है सिस्टमैटिक वे में, और कैसे डाइट लेना है जी, ये सभी बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। सो इसको दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो करके इस हिसाब सीजन की वजह, नेक्स्ट ऋतुचर्या है सीजनल वाइज जी, अपना डाइट
और बिहेवियर, विहार बोलते हैं, आहार विहार बोलते हैं, तो डाइट एंड बिहेवियर सीजनल वाइज हम लोगों को चेंज करना पड़ता है जी। इससे क्या होता है, सीजन में हर सीजन में हर चीज नहीं खा सकते, बिल्कुल, दैट इज वही कारण है कि इस बीमारियों का आने का यही कारण है कि जो भी सीजन में मिले जो भी सब कुछ खा लेते हैं, अच्छा, वेरिएशन नहीं रखते सीजनल, वो मेंटेन करना जी। सर ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई है और इसको सुनने के बाद मैं थोड़ा सा और इसमें जानकारी चाहूंगी आपसे कि किस सीजन में हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। जैसे हमने बचपन में सुना है कि बरसात में दही नहीं खाना चाहिए, और जो ये हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें हम साग कहते हैं वो भी मना किया जाता है, तो क्या ये सही है? सही है, क्योंकि ये हमने बहुत पहले अपने दादी और दादा उन लोगों से सुना हुआ है कि सावन में ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। बाकी का तो मुझे और नहीं ज्ञान है, आप थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालिए ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा और इस पर ज्ञान प्राप्त हो सके। जैसे गर्मी का मौसम मान लीजिए, गर्मी के मौसम में गर्म चीज, हाँ, जैसे कटुरस माने जो पंजेंट जी, वो नहीं लेना चाहिए। मधुर रस का ज्यादा सेवन करना जैसे कि आम अपने आप में मधुर होता है, तो क्योंकि उससे क्या शक्ति मिलती है, और क्योंकि गर्मी डाइजेशन का कम रहता है, अच्छा, पावर डाइजेशन पावर जीर्ण शक्ति जो कम रहता है जी, इसलिए ये सब करना है। और लिक्विड्स भी ज्यादा लेना है, लिक्विड्स ज्यादा लेना है, इस तरह पानी ज्यादा पीना है, तरल चीजें ज्यादा खानी है और तरल चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, इसलिए अलग अलग ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग टेस्ट का रस का जी बताया गया है। अच्छा। जैसे मैंने बताया अभी गर्मी में मधुर रस ज्यादा सेवन करना चाहिए जी। इस तरह सर्दी में तो यह है ना, दही का बात जिक्र किया आपने जी, दही तो मधुर, ये इसमें गर्मी सीजन में अलाउड है, हाँ। विंटर सीजन में शिशिर इसमें ऋतुओं में बाकी ऋतुओं में बहुत कम लेना कम है, और रात में बिल्कुल नहीं लेना है दही। अच्छा। इस तरह तो सर ये आपने बताया कि हम अपने शरीर को भोजन के द्वारा कैसे हम उसको निरोग रख सकते हैं, अगर हम इन चीजों का पालन करें तो हमारा शरीर बीमार पड़ेगा ही नहीं। सर अब मैं आपके संस्थान की ओर आती हूँ, और आपका संस्थान जो कार्य कर रहा है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और कोरोना काल में भी काफी कुछ कार्य आप लोगों ने किया है, तो उसका कुछ आप बताइए कि क्या क्या कार्य आप लोगों ने किया। हमारे तकनीकी से अनुभाग जो बताया मैंने उसमें मेन ये होता है कि हर ऑफिसर हर सिस्टम की आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी हर सिस्टम परियोजनाएं होते हैं जी। वो मेरा संस्थान जो खास करके वो लिटररी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बाकी के जैसे क्लिनिकल रिसर्च नहीं है, लिटररी रिसर्च जो साहित्य पे काम करते हैं जी, जी। जो हमारे पास जो पांडुलिपियां हैं लाइब्रेरी में पांडुलिपियां भी है, लगभग 300 पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियां, और एक परियोजना की तरह चाहे हम लोग साउथ इंडिया का पूरा इंस्टीट्यूट में जहाँ जहाँ पांडुलिपि उपलब्ध है वहाँ पे जाके उसको डिजिटाइज करके उनका एक कॉपी और अपने पास लाइब्रेरी के लिए एक कॉपी रखा हुआ है ऐसे, और उसमें जो भी खास करके इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग अनुवाद करते हैं। अच्छा। अनुवाद करके उनको प्रचुरित कर पब्लिश भी करते हैं। अच्छा। ये काम है लिटररी काम जी। और एक IT रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम भी चलता है हमारे पास, एक आयुष रिसर्च पोर्टल जो बाकी जर्नल्स में रेप्यूटेड जर्नल्स में जो आर्टिकल आयुष रिलेटेड आर्टिकल्स है रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश होता है उसको हम लोग एक पोर्टल में जी फ्रीली हाँ। उसको पोर्टल में सम्मिलित कर अपलोड करते हैं जी। उससे क्या होता है कि सभी लोग जो भी रिसर्चर उसको चाहे तो वो कंसर्न सब्जेक्ट वाइज और सिस्टम वाइज भी रहते हैं उसमें, वो सेलेक्ट करके अपना अगर फुल पेपर भी देख सकते हैं और अपस्टार्ट चाहे तो अपस्टार्ट भी देख सकते हैं। इस तरह की ऑलमोस्ट 150 देशों ने हाँ। सभी लोग देखते रहते हैं अभी। अच्छा। लाइव में भी देखेंगे तो आप 50 से ऊपर लाइव उसमें सर्च करते रहते हैं जी जी। इस तरह उसमें ऑलमोस्ट 45,000 के ऊपर ही है। अच्छा। तो ये तो आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक और है नमस्ते पोर्टल जी जो RBD टर्मिनोलॉजी पे है, आयुष टर्मिनोलॉजी पे है, वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए। अच्छा। एक नमस्ते पोर्टल करके ये भी चल रहा है मिनिस्ट्री हमारे संस्थान ही इसका मेन यहाँ से प्रोजेक्ट चलते हैं दोनों। अच्छा। तो ये आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। सर भविष्य में आपके संस्थान की क्या क्या योजनाएं हैं वो भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। भविष्य में मेन चीज तो हम लोगों का है
लाइब्रेरी, मेडिकल हेरिटेज लाइब्रेरी एंड मेडिकल हेरिटेज म्यूजियम जी, जो मैंने बताया था जी, उसको डेवलप करना और उसमें हम लोग अभी प्लान कर रहे थे कि उसको म्यूजियम गाइड बहुत पहले छपा हुआ था उसको रिवाइज करके म्यूजियम गाइड बना रहे हैं और म्यूजियम का डॉक्यूमेंट्री भी एक बना रहे हैं। ऑलरेडी प्रोजेक्ट सैंक्शन है, प्रोसेस में है और इसका मेन उद्देश्य जो है आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को प्रचार इसके लिए पब्लिसाइज करने के लिए, पब्लिसिटी देने के लिए, लोगों को, आम आदमी को भी देने के लिए हम लोग कोशिश किया। म्यूजियम को अपना तेलंगाना राज्य सरकार पर्यटन केंद्रों में लिस्ट किया गया। अच्छा। लिस्टेड है, अभी वेबसाइट में आप देख सकते हैं उनकी लिस्ट है जी। हमारे वेबसाइट का पूरा वेबसाइट भी है और वो वेबसाइट उसमें लिंक्ड भी है हमारा म्यूजियम। अच्छा। सो पर्यटक केंद्र बनाने का था जो कोविड से पहले हम लोग पूरा तैयारी किया था लेकिन इसकी वजह से पर्यटक अभी कोई नहीं आ रहे लेकिन आगे वेबसाइट में तो देख सकते हैं, आगे अगर सभी ठीक हो गए तो सब लोग कभी भी कोई भी आ सकते हैं जी जी इस तरह जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साकेत राम है, आयुर्वेद अनुसंधान अधिकारी हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज का। यहाँ इंडियन मेडिकल हेरिटेज म्यूजियम जो है एक अनोखा म्यूजियम है, सारे विश्व में एक तरह से एक यूनिक म्यूजियम है क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन के अलावा आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी एवं अन्य सारे विश्व के विविध वैद्य चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जो भी माइलस्टोन्स हुए हैं उनके बारे में एक अच्छा सा संग्रह किया गया है। उनको दो हॉल्स में यहाँ पर अरेंज किया गया है, लगभग 800 से ऊपर ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पर संग्रह है और यहाँ पर हर साल बहुत सारे स्टूडेंट विजिट करने के लिए आते हैं वैद्य विद्यालयों से एवं स्कूल से। सो इंडिया के हर जगह से यहाँ पर लोग आते हैं और इसके अलावा यहाँ खासियत ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत पुराने 2,000-2,500 साल पुराने जो शस्त्र चिकित्सा सर्जरी जो है वहाँ से उसमें जो यूज़ करते हैं इक्विपमेंट उसका भी एक नमूना यहाँ पर तैयार किया गया है। इसके अलावा पांडुलिपियाँ जो मैनस्क्रिप्ट्स बोलते हैं जो अपना विरासत है जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी का जो जितना भंडार है उन सबका यहाँ पर अच्छा अनोखा कलेक्शन है और यहाँ पर उनका प्रिजर्वेशन संरक्षण भी किया जाता है। दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हम लौटेंगे आदाब हैदराबाद पर। आजकल के जो बच्चे हैं जिस तरह से आप ये मानिए कि हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो हम कहाँ पीछे रह जाते हैं अपने जीवन को, अगर हम देखें जीवन चक्र जो हमारा होता है उसमें हम कहाँ पीछे रह जाते हैं। ये जो आधुनिक जो आजकल नए प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं और नई नई चीज़ें आ रही हैं जिसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? नेचुरल प्रोडक्ट्स और केमिकल में बहुत अंतर है, केमिकल तो साइड इफेक्ट्स देते ही देते हैं जी, इसीलिए इस तरह की चीज़ों यूसेज में नहीं लेना है और यही हम लोग बच्चों को भी और आगे की पीढ़ियों को बताना है कि नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो जरूरी है यूज करना और वो शरीर और पांच भौतिक है शरीर और नेचर, सो शरीर को सूट करता है जो नेचुरल प्रोडक्ट्स। मान लीजिए घर में छोटा सा खांसी हो गया या बुखार आ गया तो छोटे चीजें से भी हम लोग कर सकते हैं जी, खांसी के लिए जो ये ले सकते हैं घर में जी। अच्छा सर, हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है और इन पांच तत्वों को अगर इम्बैलेंस इनमें होता है तो हमारा शरीर बीमार पड़ता है जहां तक मेरी जानकारी है। तो इनमें ये वाक, पित्त और कफ कहा जाता है कि ये अगर इनकी जो स्थिति होती है अगर वो स्थिति गड़बड़ हो जाती है तो हमारा शरीर जो है वो बीमार पड़ जाता है। सही। तो ये क्यों होता है सर और इसको रोकने के लिए या इसको ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वही मेन आपने सही बोला कि एक त्रिदोष सिद्धांत पे आधारित है आयुर्वेद जी, वो जो इम्बैलेंस हो गए तो डिसीज आते हैं, बैलेंस में रहें तो स्वस्थता मेंटेन होती है जी, जो उसको वही मैंने बताया ना कि ऋतुचर्या दिनचर्या इसके जो भी गड़बड़ होता है विहार में बिहेवियर में भी और आहार में जो भी गड़बड़ होता है उससे ये त्रिदोष जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसीलिए बीमारी होते हैं। जो वात अगर
ज्यादा हो गया वाता रिलेटेड डिसीजेस आएंगे इस तरह के। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और जाते जाते मैं ये चाहूंगी कि आज के जो हमारी युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आजकल की युवा तो बहुत स्पीड में चलते हैं, जो नए नए चीज आते हैं उसको अपनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का जिम्मेदारी है, बड़ों का भी, घर में जो भी है वो बड़ों का जिम्मेदारी होती है कि उनको समझाएं सही क्या है गलत क्या है। उसमें जब हम लोग कंसर्न विद आयर हेल्थ रिलेटेड में जो माइनर चीज के लिए, जो छोटे छोटे चीजों के लिए घर पे अपना पहले ये करें, लेकिन ऐसे आदत नहीं डालना है कि जो जाके मेडिकल शॉप में गए, जो भी सिम्टम बता दिया, जो मेडिसिन आए वो काउंटर सेल होते हैं बोलते हैं, वो अवॉइड करना है। छोटे छोटे चीजों के लिए घर में बड़ों से पूछेंगे तो वो बता देंगे जी, जी। वो छोटे छोटे घर के घरेलू उपचार बोलते हैं जी। उससे हम लोग छोटे छोटे रोक सकते हैं, छोटे बीमार बड़ा होने से रोक सकते हैं जी। और मेन चीज जो है डाइटरी हैबिट्स, डाइट का जी। और एक्सरसाइज नहीं रहना, व्यायाम भी करना है, इसी वजह से बीमारियां बढ़ रहे हैं। और साथ साथ जो आईटी आने के बाद स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है, इसलिए बच्चों को योगा मेडिटेशन कंपलसरी करना है, और जो आयुर्वेद अपना भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के बारे में नॉलेज देना है, अवेयरनेस देना है, अवेयरनेस खुद को भी लेना है, और अगर नहीं तो बड़ों का जिम्मेदारी है उनको समझाना जी, जी। इस तरह करना है। और जो स्ट्रेस, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है उसको योगा मेडिटेशन से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं जी। और डाइट, मेन चीज तो डाइट कंट्रोल में रखना जी, है। कंटेंट जो भी उपलब्ध है उससे कंटेंट रहना है, संतुष्ट रहना है। अच्छा, संतुष्ट रहना है, संतोष रहना है, संतोष, ये मेरा संतोष और संतुष्टि बहुत बड़ी चीज होती है। आपने बहुत अच्छी बात कही सर के, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आपने अपने बहुत ही व्यस्त समय में से समय दिया हमें, और कोरोना से भी अपने आप को कैसे हम बचा सकते हैं और कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, आपने इस पर पूरी जानकारी दी। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, बिल्कुल सही बात है। तो आप यहाँ पर आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आज हमारे साथ थे आयुष विभाग के सहनिदेशक डॉक्टर पीवी प्रसाद जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जिनसे हम अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं, और चाहे कोई भी महामारी हो हम उससे निपट सकते हैं। बस जरूरत है जज्बे की और साथ ही साथ संतुष्टि की। जीवन में संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। हम जैसे हैं अच्छे हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम अपने आप को एक सरल भाव से जीवन में आगे बढ़ाते चलें, इससे हमारा जीवन बहुत ही सुखमय होगा। आप सभी देख रहे थे कार्यक्रम आदाब हैदराबाद। धन्यवाद।